दो हजार और सात साल के दो हजार बहुत बहुत स्वागत। पार सिंह जी बालिका वालों की तरफ से 500 रुपए बाहर गेट पे ही बताएं। आप यहाँ थी गुरुदेव को बाला सेना के आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप लोग रुके हैं, सब अपने अपनी जगह बैठ जाएं, प्रसाद लेके जाए, थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें। बाहर आप लोग कोई ग्राउंड में खड़े नहीं रहे और जल्दी नहीं करें, प्रसाद की आरती के बाद ही प्रसाद वितरण होगा। सभी कार्यकर्ता फलाजी भाई साहब गोलाना वालों से निवेदन करूंगा, उनकी टीम पूरी प्रसाद की वहां पर व्यवस्था संभाले। राजन जी गुजर गोलाना वाले, आप वहाँ व्यवस्था संभाले। बिरदीलाल जी कड़केड़े वाले, वहाँ व्यवस्था संभाले। बिरदीलाल जी कड़केड़े वालों की तरफ से 500 रुपए। मैं नीचे ही आ रहा हूँ। जिसको भी दान दक्षिणा हो गेट पे ही, गेट पे बैठे हुए हैं वहाँ पर कार्यकर्ता। अभी प्रसाद वितरण नहीं करेंगे, प्रसाद वितरण नहीं करेंगे, अभी पूर्णावधि के बाद प्रसाद वितरण होगा। यज्ञ के जितने भी यजमान थे सभी यज्ञ, सभी माताएं बेटे बैठ जाएं। अभी व्यास पूजन होगा, भगवान की आरती होगी, इसके बाद ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। इससे पहले किसी को प्रसाद नहीं दिया जाएगा, सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। प्रसाद का वितरण आरती के बाद ही होगा, उससे पहले कोई आपको प्रसाद नहीं दी जाएगी। सभी अपने स्थान पर बैठे रहे और आज के मुख्य यजमान जितने भी हैं वो सभी यज्ञ भवन कुंड के पास पधारे हैं पूर्णावधि के लिए। मुख्य यजमान के हाथ में अगली कथा 16 जनवरी को से आंबापुरा ऑटो के पास है। 16 जनवरी से जय श्री राम, 16 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री राम कथा वहां पर होगी। वहां के सभी धर्म प्रेमी बंधु जो भी आए वहां सब प्रसाद लेके जाए। जय श्री राम। पूर्णावधि के लिए मुख्य यजमान खड़े हो जाए अपने स्थान पर। पंडित जी मन कुंड को चालू कर दे। सभी अपने स्थान पर बैठे रहे, आप किसी को खड़ा नहीं होना है, मुख्य यजमान को खड़ा होना है। आप सभी बैठे रहे और जिसको भी व्यास पूजन करना है पूर्णावधि के बाद ही व्यास पूजन स्टार्ट होगा। सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। हवन के मुख्य यजमान जितने भी हैं सभी हवन कुंड के पास में आ जाए। आज के जितने भी यजमान है वो सभी हवन कुंड के पास पधारे जल्दी शीघ्र अति शीघ्र। पंडित जी मुख्य यजमान के हाथ में साकंडी प्रदान करें और हवन कुंड से अधिक किसी को बबूत नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हवन कुंड की पूर्णावती नहीं हुई है, उससे पहले कोई भी हाथ ना डाले कुंड के अंदर। सभी माताएं बहना नीचे बैठे रहे अपने स्थान पर, बारी बारी से आकर भगवान का पूजन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और मुख्य यजमान पूर्णावती के लिए सावधान हो जाए। सभी माताएं बहन अपने स्थान पर बैठे रहे। हरि ओम महान ओम स्वस्ति न इंद्रो वृंदवाहा स्वस्ति न पूर्वा पृष्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो कारिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिं ददातु। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाकृतिवा या स्मृतिपुण्डरीकाञ्चत्वायाभ्यन्तरशुचिः। मुख्य यजमान के हाथ में सांगली प्रदान करें।
और पुणाती जितने भी जजमान है आज वो पधार जाए शीघ्र अतिशीघ्र। फिर बाद में जहाँ ये न गए कि हमें बुलाया नहीं गया, जो भी मुख्य जजमान आज के थे वो सभी अमर कुंड के पास में आ जाए। मुख्य जजमान के हाथ में गोला वेदे पंडित जी। हरि ओम महा ओम द्यौ हौ शान्तिरान्तरिक्ष गौं शान्तिः व्रतवी शान्तिरापः शान्तियोगदयः शान्तिः पार्थवादयः शान्तिरस्वे देवः ओम तुष्टिघटे नमः स्वाहा। इनके हाथ में गोला दें घी की चम्मच भर के। हरि ओम महा ओम बजोहो पवित्र मसीद तदारम बजोहो पवित्र मसीद तदारम पवित्रेण सतदारेण जुआ काम दुक्षा ओम देव हो शांति रंतार्चको शांति ही प्रतवी शांति रापह शांति रोग दयाह शांति ही बनस्वादयाह शांति रस्वे दीवाह शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगो शांति ही शांति देव शांति शामा शांति रेधि यतो यतः समेह से ततो नो गुरु शन्नः गुरु प्रजापियो भयन्नः ओम षष्ठीघटे नमः स्वाहा। वसुधारा यजमान पत्नी अपने हाथ में घी की तपेली ले लें और हवन कुंड के ऊपर वसुधारा के रूप में डाले। ओम बजोहो पवित्र मसीद तदारम बजोहो पवित्र मसीद तदारम देवस्वा सविता पुनात बजोहो। हरि ओम ओम द्यौ शांति रंतरिक्ष गुं शांति पूर्णादर्भि परा परस पूर्णा पुनरापत वन्दे कपि क्रीडा द्यौ हौ उदय किरण भगवान की जय। अब सभी को बारी बारी से आकर व्यास पूजन करना है। मुख्य जजमान कथा मंच पे पधार जाए और जिसके भी भक्त को राम जानकी के दर्शन करने हैं राज्य अभिषेक की झांकी के वो बारी बारी से आए। उसके पश्चात आरती होगी। जिन भक्तों की इच्छा है दरबार में नाच की हाजी लगाने की वो भजनों में नाचे जब तक गुरुदेव का व्यास भजन होता रहेगा। मुख्य जजमान कथा मंच पे आ जाए। जय बोलो हनुमान जी महाराज की। ओ कहते लोग से हम देव गुरु दुर्गा ओ कहते लोग से आपका दीवाना चले 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 Thank you.
बहुत अच्छा भजन संजय सिंगर भजन के मैंने सुनाया। मैं आपके जलभवि से भी कामना करता हूँ इस तरह आपकी धर्म में रुचि बढ़ी रहे। संजय सिंगर भजन खड़ी हेलो परम सम्मानीय श्याम सुंदर जी शर्मा साहब व्यास पीठ के प्रधान, परम सम्मानीय हरी जी चौधरी, परम सम्मान सूरत राम जी गुजर, परम सम्मान ललित जी राठौर, रामेश्वर जी थानेदार साहब व्यास पीठ के प्रधान, परम सम्मानीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जी बेहरा व्यास पीठ के प्रधान, परम सम्मानीय सदन पाल जी शर्मा साहब निदेशक व्यास पीठ के प्रधान आरती में शामिल व्यासपीठ के जगह का मैं बाकी सभी परम सम्मानीय सिया राम जी सरपंच साहब लागा खेड़े वाले व्यासपीठ पे पधारे, परम सम्मान्य राजेंद्र सरपंच साहब गाड़ावाड़ा नवा जी व्यासपीठ पे पधारे, परम सम्मान्य रामलाल जी सीबीओ इकलेरा व्यासपीठ पे पधारे, परम सम्मान्य हमारे डब्ल्यू साहब जी व्यासपीठ पे पधारे। सर व्यासपीठ पे थोड़ी सी जगह कहीं टूट नहीं जाए मंच, मन तो ऐसा हो रहा है कि सभी को बुला लो ऊपर पर अब मंच की एक लिमिटर। परम सम्मानीय श्री श्री शास्त्री जी कोटा से पधार है, माननीय शास्त्री जी अभी सूचना मिलेंगे शास्त्री जी श्री श्री मंच व्यासपीठ पे पधारे। सीडीओ मैडम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग की मुखिया अरुणा जी मना सत्यन पाल रामलाल जी गुजर, इस तरह से पड़े हुए मंच पे कि कहीं एक वो टूट नहीं जाए आपस में बैलेंस बना के। पंडित जी थोड़ा घुमा दो ना। रामचंद्र जी सर साहब रामचंद्र जी गुजर, बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति आप भी व्यासपीठ पे बता रहे गुरुदेव का इन 9 दिनों में जो कथा की है सभी भक्तजन
और मुकेश बाल सभी जवानों को वस्त्र आभूषण भेंट कर रहे हैं। शास्त्र जी मैं मेरे हिसाब से निवेदन करूंगा शास्त्र जी को ऊपर ले गए मंच है सर्वे है शास्त्री जी आपने अमूल्य समय निकाला आपको मैं स्वास्थ्य की कामना करता हूँ उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ आपने में यहाँ पढ़ा है श्रीमान शास्त्री जी धर्म के ज्ञाता शास्त्रों के ज्ञाता वेद के ज्ञाता माननीय शास्त्री जी बोलो सच्चे दरबार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सीता मैया की रानी के बालाजी महाराज की बजरंग बली की आज के आनंद की शास्त्री जी को व्यासपीठ के वहीं ले जाए भाई साहब शास्त्री जी भी व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे यजमान साहब की आशीर्वाद कर रहे हैं राम भरोसी फर्जाबाद जो इस होटल के मैनेजर हैं राम भरोसी फर्जाबाद साहब कम कर लो आई तो कम कर लो आई तो